हेलो गुड मॉर्निंग एम एजी टेन करवानेटीज इन इंडिया टॉपिक नाम है आपका फेमिनिस्ट केनन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनन के बारे में इससे एग्जामिशन में आने की हंड्रेड परसेंट संभावना है क्वेश्चन रिपीट करेंगे किसके बारे में फेमिनिस्ट कैनन के, के बारे में क्वेश्चन कहता है क्रिटिक द आइडिया ऑफ फेमिनिस्ट कैनन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग क्या क्रिटिक था लोग के के में इंडियन इंग्लिश राइटिंग में वीडियो को लास्ट देखिएगा वाच कीजिएगा फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन है आपके सामने वीडियो को स्किप ना करें हम सा आपके सामने करवाएंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा आइए देखते हैं इनके बारे में टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विस्तार तरीके से ये कहता है आपका फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्फॉर्म्ड बाई फेमनिस्ट थ्योरी ये जो है लिया गया है इन्फॉर्म किया गया है और मोर ब्रॉडली बाई द पॉलिटिक्स ऑफ फेमनिज्म पूरा फैला दिया गया इसको politics पे, feminism है इट यूजेज द प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ फेमनिज्म टू क्रिटिक द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर ताकि लिटरेचर के साहित्य के रूप में भी लैंग्वेजेस को क्रिटिक एक आलोचक के रूप में सिद्धांतवादी के रूप में मिल सके दिस स्कूल ऑफ थॉट यह विचार है स्कूल का सिक्स टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब विच लिटरेचर मेल डोमिनेशन बाय एक्सप्लोरिंग द इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कहता है कि दिस स्कूल था डिस्क्राइब द वेज वे को डिस्क्राइब करने काम करती है इन विच लिटरेचर जहां साहित्य पोर्ट्रे एक चित्रित करने का बनाने का काम करता है नरेटिव ऑफ मेल डोमिनेशन बाई एक्सप्लोरिंग द इकोनॉमिक इकोनॉमिक के रूप में सोशल पोलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फोर्स इमेडेड विदरेचर लिटरेचर के अंदर बहुत सारी चीजों को रखा गया है दिस वे ऑफ थिंकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग वर्क कैन बी सेव चेंज दिटररी टेक्स्ट आर व्यूड एंड स्टडीज और इसमें देखा गया उसका अध्ययन किया गया है एज वेल एज साथ ही साथ चेंजिंग एंड एक्सपेंडिंग द केनन

थ्रू अ न्यू लेसन न्यू लेस के द्वारा इसे स्टार्ट किया जाता है स्पेसिफिक गोल्स ऑफिसम इंक्लूड बॉथ द डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ फीमेल ट्रेडिसन ऑफ राइटिंग अब क्या है कि न्याय क्या डेवलप किया गया डिस्कवरी किया, किया गया है किया गया है फीमेल ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग का एंड री डिस्कवरिंग ऑफ ओल्ड टेक्स्ट वाइल ऑल्सो इंटरप्रेटिंग सिम्बोलिज्म ऑफ वुमेन्स राइटिंग सो दैट इट विल नॉट बी लॉस्ड और इग्नोर्ड इसे लॉस्ट और ना ही इग्नोर्ड कह सकता है बाई द मेल पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिजिस्टिंग इनहेरिट इन द मेजोरिटी ऑफ मेन स्ट्रीम लिटरेचर लिटरेचर के साहित्य के द्वारा दीज गोल्स ये जितने भी लक्ष्य हैं अलॉन्ग विथ द इंटेंटलाइज वन राइटर्स जो वुमेन के जो राइटर्स हैं जितने भी लेडीज जो लिखी है एंडलटिव एंड्रीज इंक्रीज अवेयरनेस लोग है एक इनक्रीज अवेयरनेस किया गया है जागरूकता को बढ़ा बढ़ाने का काम किया गया है ऑफ द सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल वेवलप्ड बाई लीसा टटल देखिए ये जो डेवलप किया गया है उनका नाम देखिए हो जाएगा लीसा टटल के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है कब इन दिन ए एंड हैव सीन एडॉप्टेड बाई मेजोरिटी है इसे प्राप्त कर लिया गया है, तो है. आइए और जानेंगे फेम्युनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में देखिये कहता है द हिस्ट्री ऑफ देखिए इसका क्या इतिहास हो जानेंगे हम लोग द हिस्ट्री ऑफ फेम्युनिस्ट लिटरी बहुत फैला हुआ है फ्रॉम क्लासिक

थ वुमेन्स अब यहां कंसर्ट किया गया वुमेन्स के द्वारा ऑथरशिप एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स कंडीशन उसके कंडीशन को बताया गया है विद इन द लिटरेचर लिटरेचर के अंदर इन पार्टिकुलर द डिपिक्शन ऑफ फिक्सनल फीमेल कैरेक्टर्स इन एडिशन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज कंसर्न विद द एक्सक्लूशन ऑफ वुमेन फ्रॉम द लिटररी कैन विस्ट सच एज लुसन क्या नाम है जिसे कहा जाएंगे जितने भी लेखक है आर ऑफ एन प्रायर नॉट कंसिडर टू बी यूनिवर्सल उसमें कंसिडर नहीं कर दिया था विचार नहीं कर दिया था यूनिवर्सल को आगे बढ़ाने के लिए आइए और जानेंगे टॉपिक फेमिनिस्ट कैनन के बारे में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है बहुत है, फेमिनिस्ट में, sure आपका आएगा। क्या है? के बारे में भी इसमें बहुत ज्यादा डीपली बर्थ किया जाता है और ग्रोथ बढ़ा जाता है मॉडर्न सेक्स टू अंडरस्टैंड सोचा अगर इसमें समझा जाए बहुत ज्यादा लिटररी पोर्ट्रेट दोनों जो है चित्र किया जाता है एंड रिप्रेजेंटेशन वुमेन पीपल दोनों में होती है वुमेन में भी और लोगों में भी इन क्वीर कम्युनिटी समुदाय के रूप में एक्सपेंडिंग द रोल रोल को अदा किया जाता है ऑफ वैरायटी ऑफ आइडेंटिटीज एंड एंड एनालिसिस विद इन फेमिनिस्ट

एक समुदाय के रूप एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ वैरायटी आइडेंटिटीज पहचान के रूप में एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है एस बी बे स्ट्रटर्जी को हर तरह से टॉप को जो है इसमें इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज इंग्लिश का हर पार्ट को करवा दिया जाएगा पार्ट बाय पार्ट ताकि अब हर प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन में जा सके ये हर जगह आपको कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा और भी कुछ एग्जाम हो, होगा इंग्लिस का होगा फेमिस्ट के बारे में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपको थैंक यू